तो आज हम आए भगवती मोटर और आज हमारे पास आई है नेक्सॉन। बोर्ड भी आप देख लो, करोल बाग नाई वाला में पड़ता है। पुनीत जी मिलेंगे आपको यहाँ पे। पुनीत जी, आज वाली नेक्सॉन जैसे बेस वेरिएंट है, क्या क्या काम किया है इसमें? इस वाली बेस वेरिएंट के अंदर इसमें मैनुअल सेंटर लॉकिंग भी नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, ऑल डोर सेंटर लॉकिंग जी जी। ये वाइजर, ठीक है जी, ठीक है जी। शार्क एंटीना ये आप देख लो, शार्क एंटीना, ठीक है जी। का पीछे का रियर गार्ड ये देख लो जी, रियर गार्ड, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टर भी डले इसमें, बड़े प्यारे लग रहे हैं रिफ्लेक्टर। तो ये हमारे इस तरह की एनिमेशन आएगी जैसे ऑन होंगे, ये बहुत ही अच्छी एनिमेशन है। और इसमें हमारे मतलब इंडिकेटर प्लस ब्रेक लाइट दोनों चलेंगी। रूफ रेल, क्योंकि बेस वेरिएंट में रूफ रेल नहीं आती, साइड के स्टेपर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम ही बंदे नेक्सॉन में डलवाते हैं, ठीक है जी। ये आप नेक्सॉन की ब्रांडिंग वाली मैटिंग है, मैटिंग आप देख सकते हो, 5D मैट्स लगे हैं। फ्लोरिंग नहीं करवाई इसमें? नहीं, खैर जरूरत भी नहीं, अच्छी खासी कवरेज बना इसका, ऑडियो सिस्टम लगा है, ठीक है। सीट कवर की तो वैसे ही स्पेशलिटी है आपकी, मतलब सीट कवर तो बकेट से भी ऊपर अगर किसी को चाहिए तो ये देख सकते हो आप, क्योंकि वो चीज़ नहीं होती, मतलब सीट कवर पुराने वाले बिल्कुल हटा के उसके ऊपर ये लगाते हैं। तो इसके बाद ऐसे ही एक इसका स्पेशल मैचिंग स्टीयरिंग कवर है। अच्छा जी, इस गाड़ी में फॉगलाइट्स नहीं थी। ओके, फॉगलाइट्स लगाई है जी जी। इसके बाद इसमें एक स्टीयरिंग रैप हुआ है जी जी। तो पहले अंदर का स्टीयरिंग रैप दिखाते हैं, हाँ जी, फिर हम फॉगलाइट वगैरह। तो ओवरऑल बात करें, इसमें जो एक स्टीयरिंग रिमोट जो कि शायद अवेलेबल होगा आपके पास, स्टीयरिंग रिमोट अवेलेबल है लेकिन इन कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा सारे काम हुआ है। ग्लासेस की लेमिनेशन है, अच्छा जी, ये क्लियर लेमिनेशन है, ये हम लोग लगाते हैं जिससे हमारी गाड़ी के अंदर गरम ना हो। ओके, हीट प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं जी जी, ताकि ये ग्लास सेफ्टी ग्लास बन जाए, ठीक है जी। लोग कहते हैं नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे आपका हमारा विंडस्क्रीन होती है, हाँ जी, हमारा लेमिनेटेड ग्लास होता है, ग्लास को अगर कभी किसी चीज से टूटता है, हाँ जी, तो इसमें क्रैक बनता है, एक ग्लास एक तो हमारा चूरा बन के हमारे को हर्ट करता है जी जी। उसके लिए हम ये इसको सेफ्टी ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए लेमिनेशन जरूर, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हीट प्रोटेक्शन फिल्म है, प्रोटेक्शन के साथ इसके अंदर सेफ्टी ग्लास भी, सेफ्टी ग्लास ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई कलर डार्कनेस नहीं है, हल्का सा टिंटेड आ रहा है, हल्का सा, बहुत कई गाड़ियों के ग्लासेस से ज्यादा डार्क जी, कंपनी से स्टॉक आते हैं, हाँ जी, हाँ जी जी, राइट। ये क्रोम हैंडल भी आपने डाले सर? इसके बाद इसके अंदर फॉगलाइट्स हैं, ये इधर भी क्रोम का काम हुआ है, ये देख सकते हो आप। और बाकी फॉग लाइट्स की जैसे बात कर रहे थे, ये देख सकते हो भाई, इस तरह की फॉग लाइट रहने वाली इसमें, क्योंकि कंपनी से जो है बेस वेरिएंट में फॉग लाइट नहीं आती, ये आपको मिल जाते हैं, बट ये वाला पोर्शन जो है एम्प्टी होता है, क्योंकि फॉग लाइट ये एक्चुअल में जो हमारी जेन्युइन इंपोर्टेड लाइट्स हैं। अच्छा जी, ये एक्चुअल में ब्रांड है हमारा जिसकी ऑडी की हेडलाइट आती है, उस ब्रांड की हेडलाइट्स हैं, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल जो बाजार में आपको अवेलेबल है, हाँ, उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी है, ओके, इसकी बाजार में कॉपी बहुत अवेलेबल है, लेकिन ये हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल है, और प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है जी। और इसका क्वालिटी में बहुत फर्क है, प्राइसिंग में फर्क नहीं है। और इसका जो मेजर है, आप एक बार इसका कैमरा ऑन करके देखिए जी जी, कैमरे में आपको इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है सर। एक बार पहले हम जो बात कर रहे थे, एक बार फॉगलाइट आप जरा एक बार दिखाइए, इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो इसमें फॉगलाइट में वारंटी क्या रहती है? इसमें फॉगलाइट के अंदर जो इसको लगाने का सिस्टम है, इसकी कंपनी की इंटीग्रेटेड वायरिंग के साथ ही लगाना, ठीक है, रिकमेंडेड है जी जी। अब आप ये देखिए कितनी ब्राइट है, मतलब ऊपर जो LED होती है ना DRL, और उसी के साथ मतलब मर्ज हो रही, कितनी ब्राइट आउटपुट है, एक बार क्वालिटी दिखाते हैं आप। इसका अलाइनमेंट देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है राइट लाइट की, मतलब जो आपको टॉप वेरिएंट में आती है ना क्वालिटी, खैर क्वालिटी तो खैर उससे भी ऊपर मेरे को लग रही है, बट टॉप वेरिएंट में अलाइनमेंट जो होता है ना, वो अलाइनमेंट है, मतलब अलाइनमेंट का भी जो है ध्यान दिया गया। ऑन ऑफ करने का जो हमारा ट्रिगर स्विच है जी, ये ऑन ऑफ करने का ट्रिगर स्विच है, ये ओरिजिनल लाइट के अंदर ही ऑन होगा, ये देखो आपका कंपनी का मार्क है जी, उसी के अंदर ये लाइट ऑन होगी, ठीक है जी। अलग से मतलब कोई स्विच नहीं लगेगा, कोई वायरिंग नहीं, आप पूरे काम की वर्कमैनशिप देखिए जी, कहीं पूरी गाड़ी में कोई कहीं से लूज आए, फिनिशिंग आप देख सकते हो। अब आप इस गाड़ी इन जो आजकल लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं, इनके अंदर इस तरह से कट्स आ रहे हैं जी जी, ये कट्स आ रहे हैं, आप इसमें स्टिचिंग की खूबसूरती देखिए। फिर उसके बाद ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, हाँ जी, हाँ जी, इस फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के अंदर जो स्टीयरिंग कवर बनाना है वो भी एक आर्ट है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये जो जितने भी थर्ड लेग है, इसके अंदर से पूरा ओवरलैप स्टीयरिंग है, हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा यहाँ से शिफ्ट है जी, तो आपको कहीं से कोई लूज एंड या कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी जी जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप देखें, इसके फाइन क्वालिटी मैट्स हैं जी, मैट्स की कवरेज बहुत अच्छी है, मेरे को लगा ना स्पेशली जो हील पैड एरिया है, हाँ जी, हाँ जी,
ये व्हील पैड एरिया प्रॉपर तरीके से कवर्ड है जी, मतलब ऐसे लग नहीं रहा कि फ्लोरिंग की जरूरत है। और मैं से इसको हटाने की कोशिश कर रहा था, मेरे मतलब हटाए भी नहीं आ रहे, मतलब प्रॉपर तरह के मैट इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं कि जो ये वाले मैट हैं ये गाड़ी की शेप के हिसाब से हैं। ठीक है जी। जब भी कभी हम एक्सीडेंटल किसी गाड़ी में किसी वजह से ब्रेक लेते हैं, हाँ जी, तो वो मैट हमारा स्लिप होके आगे नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब एक तरह से लॉक हो गया, लॉक सिस्टम है। और इसका क्लच के वहाँ जहाँ पर क्लच दबता है वहाँ पे इसका गैप देखिए कितनी सुंदर शेप है, राइट। हाँ जी, वो जो नॉर्मल मैट होते हैं स्लिप करते आगे भी चुका है, राइट। स्लिपिंग की प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर देखिए वो मोल्ड के अंदर क्या क्लच दबना है, ये देखो वहाँ तक भी पूरी शेप बनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई ये सीट कवर मैंने आपको दिखाया, एक ऑडियो सिस्टम हो गया जी, इसकी आप फिटिंग देखिए प्रॉपर 9 इंचेस का बिना किसी गैप के फ्रेम आपने फ्रेम डाला है और इसमें कोई वायर कट नहीं है। नॉर्मली लोगों का एक दिमाग में रहता है कि भैया मैं म्यूजिक सिस्टम लगवा रहा हूँ, कंपनी की वायरिंग रहेगी, वारंटी रहेगी, इसमें सब जैक टू जैक कपलर टू कपलर फिटिंग है, कहीं से कोई किसी तरह की तार की कटिंग या तार का कोई फंक्शन नहीं है। सबसे पहले तो आप गाड़ी इस तरह से ऑन करिए, आपकी गाड़ी के अंदर अगर कोई मैल फंक्शन कहीं से आता है तो यहाँ पर अभी आप ऑन करके देखिए, इस मीटर के अंदर 5 से 6 लाइटें जलती हैं जी जी। अगर आपकी सारी लाइटें ऑन करने के ऑफ हो जाती हैं, विद इन 5 सेकंड ऑफ हो जाती हैं, ये ऑफ हो गई, आप सेफ जोन में है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की जी जी। ये हैंड ब्रेक की लाइट है, ये हैंड ब्रेक की लाइट चली गई, ये डिपर की लाइट है, ये सब चीजें फंक्शनिंग है। तो अब एक काम करते हैं, आपको कैमरा क्वालिटी दिखाते हैं जो कि इसमें HD कैमरा लगा है। मैं उधर से अंदर आता हूँ एक बार, कैमरा क्वालिटी देखो आप कैमरे की एक बार लगाने जी। ये HD कैमरा है, रात के टाइम भी आप देखिए बिल्कुल क्लियर है जी। 9:30 का टाइम हो रहा है और आप सोच सकते हो 9:30 बजे कितना अंधेरा होता है, बट आप बिल्कुल क्लियर कैमरा, राइट। इस कैमरे का अगर आप किसी अच्छी किसी प्रीमियम गाड़ी का नाम ले तो आप उस कैमरे की क्वालिटी से इसको मैच कर सकते हैं, उसका या तो 8 बार या उससे बेटर है जी जी, कहीं से किसी हिसाब से कोई कमी नहीं है इस कैमरे में, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत क्लियर विजन आ रहा है। उसके अलावा जैसे जो पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इसका हाँ पिक्चर क्वालिटी टच भी देखें क्वालिटी भी आपको दिखा दी। अब जो है आपको ऑडियो क्वालिटी दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ऑडियो बेस वेरिएंट में कंपनी से नहीं आता, आप चेक करें तो इसके अंदर ऑडियो क्वालिटीज भी जो है, इसमें कंपोनेंट स्पीकर है, कौन से ब्रांड लगाए सर आपने, का ब्रांड है इसके अलावा इसमें सेंटर लॉकिंग भी लगी है, तो एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी को एक बार अभी खोलिए, लॉक कर दें, ठीक है जी। बीप आई, गाड़ी लॉक हो गई हमारी, ठीक है। और अनलॉक कर, डबल बीप, गाड़ी अनलॉक। तो इस तरह से सेंटर लॉकिंग भी हमारी काम कर रही है, गाड़ी में पूरा ही काम हुआ है, सब कुछ हुआ है। और इसमें जो है सेंटर लॉकिंग जो लगी है, इसमें 2 रिमोट मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा जो है काम हुआ है नेक्सॉन में।